हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगुली और ये है मेरे टास्क मैनेजर REST API कोर्स का सबसे पहला वीडियो। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि मैंने जो है मीन स्टैक का यूज़ करके एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है टास्क मैनेजर। उसमें जो है मैंने एक कोर्स में टास्क मैनेजर एप्लीकेशन का बैकएंड का कोड वाला कैसे बनाना है वो सब दिखाया। बैकएंड का मतलब REST API आपको कैसे जनरेट करना, सर्वर साइड वाला काम आपको कैसे करना है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप में बताया। वो वाला जो है यही वाला कोर्स है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जो दूसरा मैंने कोर्स बनाया है उसमें जो है मैंने फ्रंट एंड का काम दिखाया, उसमें मैंने एंगुलर जेएस का यूज़ करके पूरा सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाना है और जो REST API आप यहाँ पे बनाने वाले उनको अपने फ्रंट एंड पे कैसे यूज़ करना है वो मैंने दिखाया है उस कोर्स में। तो अगर आप जो है फ्रंट एंड का भी काम सीखना चाहते तो आप मेरे दूसरे वाले कोर्स को भी देख सकते हैं जिसका नाम है टास्क मैनेजर फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला कोर्स। तो इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, इस कोर्स में आपको वर्क करने के लिए सबसे पहले जो है एक्सप्रेस जेएस आना चाहिए, उसके बाद आपको मोंगो डीबी पर काम करना आना चाहिए। ये कोई बिगिनर कोर्स नहीं है, ये मत सोचिएगा कि आप इस कोर्स को देख लेंगे तो आपको मोंगो डीबी पर काम करना आ जाएगा और आप एक्सप्रेस पर वर्क करना सीख जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले एक्सप्रेस जेएस सीखना है, मोंगो डीबी वर्क करना सीखना है, तभी आप जो है इस कोर्स में वर्क कर पाएंगे। इस कोर्स में जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के लिए जो आपको REST API कैसे बनाना है, REST API क्या होता है, साथ ही में हम लोग JSON वेब टोकन का यूज़ करके अपने REST API में ऑथराइजेशन वाला फीचर भी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा REST API जो है सिक्योर हो जाएगा, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाएगा। JSON वेब टोकन क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे जनरेट करना है, कैसे वेरीफाई होता है, वो सब कुछ मैंने इस कोर्स में बताया है। उसके बाद जो है हम लोग अपने इस कोर्स के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को एक बार देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन करके फोल्डर मिलेगा जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जो आपको प्रोजेक्ट फाइल्स करके एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर स्टार्ट और फिनिश्ड करके दो फोल्डर मिलेंगे। स्टार्ट वाले फोल्डर के अंदर जो है हम लोग जो प्रोजेक्ट इस वीडियो में बनाने वाले हैं उसका कुछ बेसिक सा कोड यहाँ पर मौजूद है और इस कोड को आप अपने कंप्यूटर पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिनिश्ड वाले फोल्डर के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट का फाइल मौजूद है वो कम्प्लीटली फिनिश होने के बाद का मौजूद है, तो अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको फाइनल कोड यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट वीडियोस करके एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आपको वो सारे वीडियो मिलेंगे जो कि मैंने यहाँ पर अपने इस कोर्स में बनाए हैं। और इन सब वीडियोस में जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप वे में बताया है कि आपको REST API कैसे बनाना है, JSON वेब टोकन कैसे यूज करना है, सर्वर साइड डेटा वैलिडेशन आपको कैसे करना है, ये हर एक चीज मैंने इस कोर्स में कवर किया है। तो अगर आप इस कोर्स को देखते हैं तो आप जो है बैकएंड पर काम करना, REST API बनाना, एक्सप्रेस का यूज करना, मोंगो डीबी से कैसे सब काम करना है, ये आप सीख जाएंगे। और अगर आपने मेरा दोनों कोर्स देख लिया यानी कि बैकएंड वाला और फ्रंट एंड वाला, तो आप एक मेन स्टैक फुल स्टैक डेवलपर भी बन जाएंगे। और वो सब कुछ मैंने हिंदी में स्टेप बाय स्टेप वे में बताया है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि अगर आप जो है अगर आपका इस कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई भी डाउट हो तो आपको इस कोर्स की शुरुआत में और एंड की तरफ यहाँ पर जो मेरा ईमेल दिखाई देगा और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक और मेरा फेसबुक का पेज का लिंक, तो वहाँ पर जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो।